सत श्री अकाल। कच्छ जो के गुजरात का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, सफेद रण के अलावा बेडशीट, बांधनी सूट, हैंडीक्राफ्ट और ब्लॉक प्रिंट के लिए भी ये विश्व प्रसिद्ध है। मेरे पीछे जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ नजर आएगा सफेद रण ही रण। वैसे तो बारिश के मौसम में यहाँ पे पानी भरा रहता है और जब बारिश का मौसम खत्म हो जाता है तो पानी सूख जाता है और पीछे रह जाता है ये सफेद नमक, जिसे शायद आप सफेद रण के नाम से भी जानते हैं। भुज से सफेद रण जाने के लिए सबसे पहले नजर आएगा आपको ये दत्तात्रेय जी का मंदिर और काड़ू डूंगर। तो चलो पहले दर्शन कर लेते हैं दत्तात्रेय जी मंदिर के और फिर चलते हैं काड़ू डूंगर। ये जो सामने आपको दिख रहा है वो है श्री दत्तात्रेय जी का मंदिर। सामने जो आपको दिख रहा है वो है BSF का पॉइंट। आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। सफेद रण में जाने के लिए पर हेड लगेंगे 100 रुपए, टू व्हीलर के लिए 25 रुपए और फोर व्हीलर के लिए लगेंगे आपको 100 रुपए। सफेद रण में एंटर करते ही आपको सामने दिखेगा ये टावर जो कि तकरीबन 4 मंजिल ऊंचा है। तो चलो चढ़ते हैं ऊपर, ऊपर से देखेंगे नीचे का व्यू के कैसे दिखता है ये सफेद रण। सिर्फ 16% लोगों ने ही सब्सक्राइब करके रखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कर दीजिए इसे लाइक और अगर नए हो हमारी चैनल पे तो कर दीजिए प्लीज सब्सक्राइब और पास ही में पड़ा बेल आइकन उसे भी पुश कर दीजिए ताकि आपको मिलती रहे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन। वाकई में बहुत ऊंचा है ये टावर। फाइनली हम ऊपर पहुंच चुके हैं और ऊपर से कुछ इस तरह से दिखता है इसका व्यू। यहाँ से जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ नजर आएगा सफेद रण ही रण। और अगर आप सामने की तरफ गौर से देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा जैसे यहाँ पे मिलन हो रहा हो आसमान और जमीन का। आप कच्छ जाते हैं तो काड़ू डूंगर, मातानो मठ, मांडवी, भुज, नारायण सरोवर और अब तो कच्छ में बन रहे विश्व के सबसे बड़े सोलार पार्क की विजिट जरूर करें। आपने अभी तक कच्छ सोलार प्लांट वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैंने देके रखी है, आप चाहे तो वहाँ से भी जाके उसे देख सकते हैं। गुजरात का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट कच्छ है और इसी खूबसूरती को मैंने कैद किया है इस वीडियो में, बिकॉज कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। आप कच्छ बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय रोड भी आ सकते हैं। अहमदाबाद गुजरात से इसकी दूरी है 331 किलोमीटर की, जिसे तय करने में आपको लगेंगे लगभग 6 घंटे। आप आना चाहते हैं बाय ट्रेन तो आपको भुज के लिए ट्रेन मिल जाएगी और आप आना चाहते हैं बाय एयर तो सबसे नज़दीकी अड्डा है भुज एयरपोर्ट और वहाँ से सफेद रण आने के लिए आप अपने हिसाब से व्हीकल हायर कर सकते हैं जिसकी दूरी है 77 किलोमीटर की। मुझे जानी जी हने खबर मुके केते दी में दी धावा अज दौर अची व्यो येनो इनी माडू जो तू केड़ो यार दौर अची व्यो जेड़ो इनी माडू जो तू केड़ो दी सब वया हक जेड़ा अज काहू कबूतर कूड़ा कूड़ा यार काहू कबूतर कूड़ा कूड़ा।
सफेद रण से आशापुरा माँ का टेंपल 94 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर आप जाना चाहते हैं भुज से तो उसके लिए आपको दूरी तय करनी पड़ेगी 100 किलोमीटर की। मंदिर में अंदर जाने से पहले मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ की फेमस ब्लॉक प्रिंट लेदर वर्क और हैंडीक्राफ्ट की आइटम है, जिसे आप बिना खरीद किए यहाँ से नहीं जा सकते। मंदिर के बाहर भी आपको रहने के लिए गेस्ट हाउस मिल जाएंगे और मंदिर के अंदर भी ये सुविधा उपलब्ध है। कुछ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, इसीलिए तो अमिताभ जी भी कहते हैं कि कुछ पल तो गुजारिए हमारे गुजरात में। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे राजस्थान अरावली के सबसे ऊंचे शिखर पे।